नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही और एंटी माफिया कार्यवाही लगातार चल रही है। छतरपुर जिले में भी ये कार्यवाही लगातार जारी है। इसके तहत सटई में आज ये कार्रवाई की गई, जहां सर्वप्रथम बालिका छात्रावास की जगह पर बनाए गए अवैध मकान को जेसीबी से धराशायी किया गया। इसके बाद बस स्टैंड पर भी अतिक्रमण हटाया गया, गुमटियों में लगे सभी टीन शेड को हटाया और बस स्टैंड पर लगे हाथ ठेलों को व्यवस्थित तरीके से लगवाया गया। इसी के साथ अतिक्रमणकारियों के घरों में नोटिस चस्पा भी किए गए। एसडीएम ने बताया कि आगामी दिनों में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। छात्रावास कैंपस में एक अवैध निर्माण हुआ था, जिसे ध्वस्त कर पाया गया। इसके अतिरिक्त शासकीय जमीन पर पांच छह मकान जो है वो एक कतार में बने हुए थे, जो कि अतिक्रमण करके बनाए गए थे और उसमें शासकीय योजना का अवैध तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया गया था और मकानों को शासकीय व्यवस्था में दिया गया है। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड पे दुकानदारों ने अपनी दुकानों को 15 से 20 फीट तक आगे कर लिया था, जिनकी दुकानों को अतिक्रमण हटाते हुए उन्हें पीछे किया गया है। और इसके अलावा कुछ स्थायी दुकानें बनाकर लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया था, उन दुकानों को भी आज ट्रेन के माध्यम से ध्वस्त किया गया है। उसके संबंध में ये है कि आज जो है माननीय एसडीएम महोदय एवं तहसीलदार महोदय एवं थाना प्रभारी डेटा जो है शासकीय बनाए गए थे, अतिक्रमण किए गए थे, उनको हटाया गया है। वो ये जो छात्रावास में बार्डन ने बना लिया था उसको हटाया गया और दो तीन में कब्जा भी किया है तारी दरवा के, जो कि बस स्टैंड पर भी अतिक्रमण किया गया था उसको भी हटवाया गया और टीन टप्पर भी हटवाया गया। बाकी इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा चलती रहेगी।